फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज सिलोगिज्म के उसी पड़ाव पर जहां पर आपको छोड़ गए थे। हम उम्मीद करते हैं छात्रगण कि सिलोगिज्म की इस क्लास पर आपने बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया होगा और 150 के ब्रह्मास्त्र रूल से सिलोगिज्म को गलत करने का, जो पहले एक दो जो आपका गलत होता था, पाँच में चार सही होता था, तीन गलत हो जा एक गलत हो जाता था, वो कहानी से अब आप दूर जा चुके हैं। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अब डिपेंड करता है कि आप इस चैप्टर पे कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कितना ज़्यादा आप इस पे काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं छात्रगण कि आप बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे होंगे और पूरी तरह से इस चैप्टर पर अपनी कमांड हासिल कर रहे होंगे। आइए देखते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ के और केसेस। कल की क्लास में आपने देखा था कि पॉसिबिलिटीज़ के कई केसेस हमने उठाए थे, आज भी कई केसेस जो है हम लोग पॉसिबिलिटीज़ के केस में देखेंगे। आइए देखने का प्रयास करते हैं छात्रगण। क्वेश्चन कहता है, चैप्टर वही है, सिलोगिज्म पॉसिबिलिटी का केस टाइप नंबर 4। स्टेटमेंट है, ऑल मिनिस्टर आर डीन्स। इसी के नीचे कहता है, सम डीन्स आर हेड्स, सम हेड्स आर प्रिंसिपल्स। पहले जो काम करते हैं एकदम कर लीजिए। ऑल को देना है 100 और कितना देना है बेटा 50। सम को कितना देना है 50 50, और सम को कितना देना है 50 और 50, ठीक है ना। मर्ज कर लेते हैं स्टेटमेंट को। डीन्स और डीन्स 50 50 100 कहानियाँ नहीं है, हेड्स और हेड्स 50, कोई स्टेटमेंट मर्ज नहीं करेगा। ऑल आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी देख लेना है, सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे कहता है नो प्रिंसिपल इज ए मिनिस्टर, पॉजिटिव से नेगेटिव निकलेगा कैसे, कहानी यहीं पे क्लोज हो जाएगा। पहला वाला क्लोज कर दीजिए, अब केवल पॉसिबिलिटीज का केस दीजिए। कहता है कि ऑल हेड्स बींग मिनिस्टर इज ए पॉसिबिलिटी। पहले तो निकाल लीजिए हेड्स और मिनिस्टर। हेड्स कहाँ है, यहाँ पर है। मिनिस्टर कहाँ है, यहाँ पर है। कभी मर्ज हो सकता है, कभी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया है, देखिए मैंने नोट्स में लिख दिया है कि इफ देर इज नो रिलेशन इन स्टेटमेंट्स, अगर स्टेटमेंट से कोई रिलेशन है, किसी जिंदगी में हेड और मिनिस्टर नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपका मर्ज नहीं हुआ है। अर्थात हम हेड से मिनिस्टर की ओर किसी कीमत पर नहीं जा सकते हैं इन द सेंस ऑफ ए वैलिड रिजल्ट। अगर वैलिड रिजल्ट की बात करें तो किसी जिंदगी में नहीं निकलेगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज तो मैंने पहले ही कहा कि उल्टा बात करता है, ये सीधे कहता है कि देयर इज नो रिलेशन इन स्टेटमेंट्स देन ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। और देख लीजिए कहता है कि ऑल हेड्स बीइंग मिनिस्टर इज ए पॉसिबिलिटी। यस, ये पॉसिबिलिटीज होगा तो नंबर 2 जो है बहुत आसानी से निकल गया छात्रगण। मैं कल की क्लास से ही आपको बकते चला आ रहा हूं कि एक ही कहानी है छात्रगण कि यदि वैलिड कंक्लूजन नहीं निकलता, देखो ये कंक्लूजन देखो, नो प्रिंसिपल इज ए मिनिस्टर। अगर यहां पर हम केवल एक लाइन यहां पर लिख देते हैं, नो प्रिंसिपल इज ए मिनिस्टर इज अ पॉसिबिलिटीज, तो ये भी हो जाता है। मैंने कई बार कहा है छात्रगण कि जो कुछ आपका नहीं निकल रहा है और अगर वो पॉसिबिलिटीज का केस दिया हुआ है तो वो पॉसिबिलिटीज का केस बनता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप देख रहे हैं कि ए का बी से रिलेशन, बी का सी का, क्या ए का डी से रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज का केस बनेगा। अगर स्टेटमेंट ये कहे कि ए का संबंध है डी से, ये एक पॉसिबिलिटीज है, तो ये हो जाएगा। देखिए संभावना कितना इजी है छात्रगण। अक्सर हम लोग संभावना देख करके डर जाया करते थे परीक्षाओं में। अब हम आपको लगता हो कि अरे ये कितना आसान था सर, केवल पढ़ने की हमें आवश्यकता थी। और अब आज जब चूंकि आप इसे पूरी तरह से पढ़ चुके हैं तो हम उम्मीद करते हैं छात्रगण कि ये पूरी तरह से आपके कब्जे में आ गया होगा। सो द नोट्स इज इफ देयर इज नो रिलेशन इन स्टेटमेंट्स देन ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। ओके, आइए आगे के प्रश्नों की ओर लेकर के चलते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं जबरदस्त रूप से। आइए स्वागत करते हैं छात्रगण अगले प्रश्न पर लेकर के आपको आए हैं। क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट है, सम एग्जामर टेस्ट, जो अपना 150 का रूल बैठाते हैं सम के लिए 50 50, नो एग्जाम इज क्वेश्चन, नो के लिए आपको मालूम है कितना बैठाते हैं 100 100, ठीक है। टेस्ट है और 100 है, टेस्ट के पास 50 है, एग्जाम के पास 100 है, 150, यानी आसानी से ये स्टेटमेंट क्या होगा, मर्ज होगा। चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पहला स्टेटमेंट नेगेटिव का है, नो क्वेश्चन इज टेस्ट, नो के लिए कितना देंगे बेटा 100 और 100। चलिए ऊपर से मिलाते हैं, क्वेश्चन के लिए कितना है 100 है, मिल गया। टेस्ट के लिए कितना है 50 है, लेकिन यहाँ पर 100 है, कंक्लूजन खत्म हो गया। खरीद ही नहीं सकते हैं, ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, इनकम है। आपको पहले ही रूल पता है, आप पॉसिबिलिटीज सीख रहे हैं तो ये रूल तो बताने की एटलीस्ट आवश्यकता नहीं है। अगला कहता है, सम टेस्ट आर डेफिनेटली नॉट एग्जामिनेशन, नेगेटिव है, चेक कर लेंगे। सम वाला में कितना कितना देना है 50 और
इसको कितना देखना है 50 आर डेफिनेटली नॉट, ये सब तो लिखा हुआ रहा था आपको, मैंने पहले ही बताया था कि सम टेस्ट आर डेफिनेटली नॉट एग्जामिनेशन, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। 50 टेस्ट कितना का है 50 का है, एग्जाम कितना का है 100 का है, यहाँ 50 का है, खूब आराम से निकल गया, ठीक है ना। कॉमन देखिए एकदम सेट यही होता है, क्वेश्चन जो दिया हुआ आप टोटल पॉसिबिलिटीज ही नहीं दिया जाएगा, आपको एक दो निकलेगा, एक पॉसिबिलिटीज का केस देगा। आप कहता है नो क्वेश्चन बीइंग टेस्ट, अब देखिए नो का है तो क्वेश्चन कितना का है 100 रुपया का है, टेस्ट कितना है 100 रुपया का है, ठीक है ना। नो वाला में 100 नंबर देते हैं। पॉसिबिलिटीज देखिए तक माता, पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन और टेस्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन है 100 नंबर का, 100 नंबर का टेस्ट है यहाँ पर 50 रुपया का, और यहाँ 100 रुपया का नहीं निकलेगा, स्टेटमेंट क्या होगा, मतलब कंक्लूजन क्या होगा, नहीं निकलेगा। मैंने आपको गोल्डन रूल में पढ़ाया है कि जब कंक्लूजन ना निकले तो वैसी स्थिति में छात्रगण उसका पॉसिबिलिटीज 100% निकलेगा। और मैंने पुनः आपको नोट लिख दिया है कि इफ कंक्लूजन इज रॉन्ग देन देयर पॉसिबिलिटी विल बी राइट। यू मस्ट रिमेंबर माई डियर फ्रेंड्स कि इफ कंक्लूजन इज रॉन्ग देन देयर पॉसिबिलिटीज विल बी राइट। देखिए ये कंक्लूजन रॉन्ग है, ये किसी कीमत पे नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटीज का केस दिया हुआ है तो इसकी पॉसिबिलिटीज निश्चित रूप से याद होगा। जो 3 गोल्डन रूल्स आपको पढ़ाए हैं, गोल्डन ट्रिक्स जिसको मैंने कहा है, उसे याद कर लीजिएगा, आपके सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो कंक्लूजन नंबर 2 और 3 एग्जिस्ट ओवर हियर, या कंक्लूजन नंबर 2 और 3 एग्जिस्ट इन दिस गिवन क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रगण, उम्मीद करते हैं कि तमाम क्वेश्चनों को आप बहुत बखूबी से समझ पा रहे होंगे। आइए अगले पड़ाव की ओर लेके चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर आपका स्वागत करते हैं छात्रगण। छात्रगण अगले पड़ाव पर हैं, क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट है, सम पर्ल आर स्टोन, सम स्टोन आर डायमंड्स, नो डायमंड इज गोल्ड। कंक्लूजन कह रहा है, सॉरी एक और स्टेटमेंट है, सम गोल्ड आर सिल्वर, कुछ मतलब ही नहीं हम लोग को। कंक्लूजन सम पर्ल आर डायमंड, सम पर्ल कैन बी डायमंड, ऑल स्टोन बींग सिल्वर इज ए पॉसिबिलिटीज। एक चीज आपको खाली याद रखिएगा, जहां अगर कंक्लूजन में कैन बी लिखा हुआ रहे, बस एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, कैन बी का केस हमेशा पॉसिबिलिटी। कैन बी का मतलब क्या, हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, जैसे बोलते हैं इट कैन बी पॉसिबल, तो पॉसिबल बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इंग्लिश बोलने के क्रम में बोल देते हैं इट कैन बी पॉसिबल, बस केवल इतना बोलिए इट कैन बी, हो सकता है। तो कैन बी का जो केस होता है छात्रगण, वो हमेशा याद रखिएगा, ये पॉसिबिलिटीज का केस होता है। इसको नोट्स बना करके लिख लीजिए कि जहां सेंटेंस में देखिए यहां पर इज ए पॉसिबल वर्ड नहीं लिखा है, आप तो देखिएगा सीधे कि अरे ये तो निकल नहीं रहा था, आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, लेकिन ये पॉसिबल का केस में निकल जाएगा, तो वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे अच्छी तरह से, है ना। तो याद रखेंगे कि यदि कंक्लूजन में कैन बी का केस है तो वो पॉसिबिलिटीज बनाता है। आइए अपना काम करते हैं फटाफट। सम के लिए कितना देते हैं बेटा, 50 50, फिर सम के लिए 50 50, नो के लिए 100 100, सम के लिए 50 50। आइए देखते हैं मर्ज कौन कौन कर रहा है। यहाँ स्टोन स्टोन मर्ज नहीं करेगा, 100 ये सेकेंड और थर्ड मर्ज कर गया, उसके बाद गोल्ड गोल्ड 150 ये भी मर्ज कर गया, और कोई गोल्ड सिल्वर और कोई नहीं मर्ज करेगा, ठीक है ना। यानी कि दूसरा तीसरा और तीसरा चौथा मर्ज कर गया, पहला किसी से मर्ज नहीं किया, ठीक है ना। आगे आगे चलते हैं, मिलाते हैं सीधे सीधे। कह रहा है पर्ल और डायमंड सम के लिए है, यहाँ 50 यहाँ 50, पर्ल कहाँ पर है 50, डायमंड कहाँ पर है 50, डायमंड भी 50 का है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑल आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ पर है पर्ल और यहाँ पर है डायमंड, पर्ल ऊपर में है और डायमंड नीचे में, क्या हम ऊपर से नीचे जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहला और दूसरा मर्ज नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी कीमत पर हमारा जो है ये कंक्लूजन जो हमारा नहीं निकलेगा, तो पहला क्रॉस हो गया। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पहला दूसरा मर्ज नहीं हुआ था इसलिए ये नहीं निकलेगा। सेकंड, सम पर्ल कैन बी डायमंड, देखिए पर्ल और डायमंड नहीं निकला है, आपने पहले ही अभी इसके जस्ट पहले पढ़ा है कि यदि कंक्लूजन नहीं निकले तो उसका पॉसिबिलिटीज निकलेगा। आप देख रहे हैं पर्ल और डायमंड को आप ऊपर में क्रॉस किए हैं, लेकिन यहां भी पर्ल और डायमंड ही है, लेकिन चूंकि कैन भी है पॉसिबिलिटीज का केस बना रहा है, इसलिए यह 100% निकलेगा। मैंने आपको जस्ट कहा कि यदि कंक्लूजन ना निकले तो उसका पॉसिबिलिटीज निश्चित निकलेगा, यह पॉसिबिलिटीज का रूल होता है। आगे स्टोन और सिल्वर है, स्टोन कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है, और सिल्वर यहाँ, आराम से मच करेगा, चूंकि ये मच किया, ये मच किया है, तो ये सब आपस में मच कर जाएंगे। स्टोन 50 रुपया का है, स्टोन यहाँ पर 100 रुपया का है, ठीक है, और यहाँ पर सिल्वर 50 रुपया का, सिल्वर क्या है 50 रुपया का, नहीं निकला।
हमारे पास स्टोन है, स्टोन है 50 रुपया का है, स्टोन 100 रुपया का है, सिल्वर यहाँ पर 50 का, ये निकल रहा है। लेकिन हमारा ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टोन और सिल्वर, स्टोन यहाँ पर 50 का है जबकि ये 100 का है, वैलिड कंक्लूजन नहीं निकला। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि यदि वैलिड कंक्लूजन ना निकले तो उसका पॉसिबिलिटीज निकलेगा। तो ऑल स्टोन बींग सिल्वर इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज, ऑल स्टोन बींग सिल्वर इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज द 100% ट्रू रूल। सो हेयर द कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 3 एग्जिस्ट्स इन द गिवन क्वेश्चन। कई बार मैं आपको समझा रहा हूँ, दो ही रूल पर मैं पूरे क्लास में आपको फोकस कर रहा हूँ। रूल नंबर पहला पे आपको मैं लेकर के चलता हूँ, वहां पे मैं आपसे बातें करता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप एकदम आपको समझ जाना है कि वो हमको स्टेटमेंट पर काम करना है। अर्थात स्टेटमेंट अगर पॉसिबिलिटीज के केस पे है और वो नहीं निकल रहा है तो निकल जाएगा। कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन नहीं निकल रहा 150 के रूल से, लेकिन अगर उसका पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है तो पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन नंबर 2, पर्ल और डायमंड नहीं निकलेगा, पॉसिबिलिटीज निकल गया, आंसर हो गया। स्टोन और सिल्वर नहीं निकलेगा, पॉसिबिलिटीज का केस दिया है, निकल गया। तो है ना मजा, कितना मजेदार है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर पूरी तरह से आपके हैंड में चला गया होगा, हैंडी हो गया होगा। आइए और एग्जांपल कराते हैं ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से खा जाइए, इसको नींबू के जैसा निचोड़ करके पी जाइए छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि सिलॉग का इससे बेहतरीन रूल आपने अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा और ये इतना हैंडी हो चुका है आपके लिए ये चैप्टर कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं छात्रगण और अगले प्रश्न पर आपको लेकर के चलते हैं। अगले प्रश्न पर है छात्रगण, स्टेटमेंट कहता है ऑल गुड आर बैड, some bad are intelligent, all intelligent are girl, no girl is black। यानी स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव से मिला हुआ है। कंक्लूजन कहता है सम ब्लैक बींग इंटेलिजेंट इज ए पॉसिबल, सम इंटेलिजेंट इज गुड, सम गर्ल आर बैड, ऑल गर्ल आर गुड। चलिए काम करते हैं एकदम अच्छी तरह से। ऑल से स्टेटमेंट है, इसको 100, इसको कितना 50, सम से स्टूडेंट है 50, ऑल से है 100, 50, नो से है 100, 100। इतना करने के बाद स्टेटमेंट को मर्ज कर लेते हैं जल्दी सा। चलिए यहाँ पे बैड बैड, यहाँ 50, यहाँ 50 मर्ज नहीं करेगा। इंटेलिजेंट 50, 100, ये दोनों मर्ज कर गया। उसके बाद गर्ल गर्ल 50, 100, दोनों मर्ज कर गया। यानी 2, 3 मर्ज किया, 3, 4 मर्ज कर गया, 1 किसी से मर्ज नहीं किया है। ओके, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ब्लैक और इंटेलिजेंट सम से है, ब्लैक के लिए है 50, इंटेलिजेंट के लिए 50 है। ब्लैक और इंटेलिजेंट देख लेते हैं, ब्लैक कहाँ पर है, ब्लैक ब्लैक को 100 है, ब्लैक को 50 है, इंटेलिजेंट को 100 है, इंटेलिजेंट को 50 है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? देख लीजिए सम वाला स्टेटमेंट में ब्लैक है और इंटेलिजेंट है, ब्लैक का 50 है, इंटेलिजेंट का भी कितना है 50 है। क्लियर हो गया? तो हमारा निकलेगा क्या कि यहाँ से ब्लैक और इंटेलिजेंट कहाँ गया, ब्लैक और इंटेलिजेंट, ब्लैक कहाँ पर है, ब्लैक यहाँ पर, ब्लैक यहाँ पर है, तो मेरा क्या निकलेगा, ऑल इंटेलिजेंट ब्लैक आर ब्लैक, यही ना निकला वैलिड कंक्लूजन, और सम ब्लैक आर इंटेलिजेंट निकलेगा एकदम। और आप देख रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज का केस है और सम का केस है, तो सम वाला में याद होगा आपको कि इसका सीधा और उल्टा दोनों निकलता है, निकलता है ना, और ये ब्लैक और इंटेलिजेंट मेरा निकल रहा है और साथ ही इसका पॉसिबिलिटीज का केस दिया हुआ है, तब तो ये तो 100% एकदम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसका स्टेटमेंट का ये इंटेलिजेंट और ब्लैक का आप क्या निकालेंगे, चूंकि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, तो कितना हो गया 150। अब यहाँ पर स्टेटमेंट निकालिए, ऑल इंटेलिजेंट आपका निकला, स्टेटमेंट क्या निकला, ऑल इंटेलिजेंट आर ब्लैक, ऑल इंटेलिजेंट आर ब्लैक, यही ना निकला आपका ऑल इंटेलिजेंट आर ब्लैक, ये वैलिड कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन वैलिड है, ऑल इंटेलिजेंट और ब्लैक, ये तो मेरा वैलिड कंक्लूजन है या नहीं है। क्लियर हो गया? अब आपको याद होगा कि ऑल से मेरा कौन कौन रिलेशन निकलता है, तो ऑल का रिवर्स निकलता है और सम नॉट का रिवर्स निकलता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इसका रिवर्स क्या निकलेगा, ऑल ब्लैक आर इंटेलिजेंट नहीं है। अब ये कह रहा है कि सम ब्लैक बींग इंटेलिजेंट इज ए पॉसिबिलिटीज, ये भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको बताए थे कि ऑल वाला से, आपको बताए थे ऑल से सिर्फ और सिर्फ निकलता है ऑल का रिवर्स और सम नॉट का रिवर्स निकलता है, ये सम नॉट का भी रिवर्स नहीं है, अर्थात ये पॉसिबिलिटीज का केस होते हुए भी क्या होगा, नहीं निकलेगा।
पॉसिबिलिटीज का रूल याद करके ही पूरे क्वेश्चन पे चलिएगा छात्रगण, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन आपको बर्बाद कर देगा। क्लियर है ना? ऑल इंटेलिजेंट, देखिए इन दोनों से क्या निकला, मेरा निकला ऑल इंटेलिजेंट और ब्लैक। हमने आपको पहले ही कहा है कि यदि वैलिड कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तो उसका क्या होगा पॉसिबिलिटीज केस निकलता है। ये तो वैलिड कंक्लूजन निकल ही रहा है, इंटेलिजेंट ब्लैक है या ब्लैक इंटेलिजेंट है 100%, लेकिन इसका पॉसिबिलिटीज का केस यहाँ पे नहीं निकलेगा क्योंकि ऑल वाला से जो मेरा रिलेशन निकलता है वो ऑल का रिवर्स निकलता है और सम नॉट का रिवर्स निकलता है जो ये फॉलो नहीं कर रहा है। ओके आइए इंटेलिजेंट और गुड, गुड देखिए ऊपर है इंटेलिजेंट नीचे है, किसी कीमत पर हम लोग मर्ज नहीं कर सकते थे स्टेटमेंट को, कहानी खत्म हो गया। गर्ल और बैड है, यहाँ गर्ल है और यहाँ बैड है, मर्ज नहीं होगा, ये भी नहीं निकलेगा। गर्ल और गुड है, यहाँ गर्ल है और गुड ऊपर में है, ये भी नहीं निकलेगा। अर्थात चारों में से एक भी कंक्लूजन इसमें नहीं निकलेगा छात्रगण। क्यों नहीं निकलेगा आप ये अच्छी तरह से समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी 150 के रूल से आपने पॉसिबिलिटीज के केस को बहुत ही मनोयोग से समझने का प्रयास किया होगा छात्रगण। आइए आपको आगे के प्रश्नों की ओर लेकर के चलते हैं और वहां अनदर जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न पर हैं साथगण, क्वेश्चन कह रहा है ऑल अमाउंट्स आर प्रिंसिपल्स, सम प्रिंसिपल्स आर इंटरेस्ट, दोनों पॉजिटिव है, ऑल के लिए 100 और यहाँ 50, सम के लिए 50 50। पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन कह रहा है ऑल इंटरेस्ट बिंग अमाउंट इज ए पॉसिबल, ऑल इंटरेस्ट बिंग अमाउंट इज ए पॉसिबिलिटी, चेक करेंगे इसको है ना, एंड सम इंटरेस्ट आर बिंग डेफिनेटली नॉट प्रिंसिपल। अब देख लीजिए यहाँ पर नॉट कर दिया, डेफिनेटली नॉट, सम इंटरेस्ट आर डेफिनेटली नॉट प्रिंसिपल, तो डेफिनेटली नॉट मतलब नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव निकलेगा नहीं इसलिए इसकी बात ही नहीं करेंगे हम सब, केवल एक पॉसिबिलिटीज केस हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर है इंटरेस्ट और यहाँ पर है अमाउंट, यहाँ पर देख लीजिए प्रिंसिपल प्रिंसिपल दोनों स्टेटमेंट मर्ज नहीं करेगा, इंटरेस्ट और अमाउंट नहीं निकलेगा, लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटीज का केस दिया हुआ, मैंने आपको पहले ही कहा ऑल इंटरेस्ट बिंग अमाउंट, ये इंटरेस्ट और अमाउंट नहीं निकलेगा स्टेटमेंट मर्ज नहीं किया है, लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटीज के केस में दिया हुआ है कंक्लूजन 100% निकल जाएगा। तो ओनली वन इज पॉसिबल, सेकेंड इज नॉट पॉसिबल because some interest are definitely not principal, वो possibilities का case नहीं दिया हुआ है, ये negative statement है और हमने पहले ही पढ़ा है कि दो positive statement से negative conclusion नहीं निकला करता है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से chapter आपको समझ में आ रहा होगा, अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। छद्म statement कहता है कि some huts are mansions and no mansion is a palace. We have the two statement with both of the statement are positive and negative. It means this makes the negative conclusion. Some huts 50, mansions no 100, 100. Okay, mansion and mansion 150 goes. यानि कि दोनों statement आपस में merge कर जाएगा. कहता है all places being hut is possibility. Places है और hut है. देखो हमारा क्या निकल रहा है? Places और hut निकल रहा है. यहाँ पर प्लेसेस 100 रुपया का है, यहाँ भी 100 रुपया का है, हट यहाँ 50 का है, हट 50 का, एकदम कन्फर्म निकलेगा ऑल प्लेसेस बिंग हट इज पॉसिबिलिटीज, ये तो एकदम कन्फर्म निकल गया, हट और पैलेस निकल गया। लेकिन यहाँ ध्यान दिखाना है हमको, हमारा कंक्लूजन क्या निकला देख लीजिए, यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, सम हट्स आर पैलेस, यही ना निकला। आपको हम पहले बताएं कि सम वाला वैलिड कंक्लूजन से ऑल का रिवर्स और सम नॉट का रिवर्स निकलता है और सीधा भी निकलता है, उसका सीधा भी निकलता है और रिवर्स भी निकलता है, दोनों केस आपको बताएं। तो देख लीजिए सम हट्स आर पैलेस हो गया ना, उसको रिवर्स कीजिए, सम का रिवर्स क्या होता है ऑल वाला, ऑल का और सम नॉट का लिखा हुआ ऑल प्लेसेस पैलेस है यहाँ पे, ऑल पैलेसेस बीइंग हर्ट इज पॉसिबिलिटी 100%, क्योंकि सम से मेरा ऑल का रिवर्स निकलता है, ये ऑल का रिवर्स है 100% निकल गया पॉसिबिलिटीज के केस में, और सम नॉट का भी रहेगा तब भी निकलेगा। ये तो पॉसिबिलिटीज है ना, खाली चेक कर लेते हर्ट और पैलेसेस, तो हर्ट का है ऊपर है पैलेस, ये भी निकल जाएगा, ऑल में इसको 100 देना है और इसको 50 देना, हर्ट को कितना है नहीं निकलेगा, हर्ट का 50 है यहाँ पर 100 दे रहा है, पैलेसेस तो निकल रहा है लेकिन बावजूद ये नहीं निकलेगा। तो ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज पॉसिबल ओवर हियर, सो दिस इज द पॉसिबिलिटीज केस माय डियर फ्रेंड्स। कई प्रश्नों के पड़ाव पर हम सब आज की क्लास में थे और हमने कई प्रश्नों को जबरदस्त अंदाज में देखा है। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि पॉसिबिलिटीज के केस का एक भी क्वेश्चन अब आप कभी भी किसी भी कीमत पर गलत नहीं करेंगे और तमाम क्वेश्चंस आपके जहन पे होंगे और सभी क्वेश्चंस आप सही करेंगे। तो पूरे 150 के रूल्स आपको अच्छी तरह से याद रखना है,
और साथ ही साथ जो पॉसिबिलिटीज के जो गोल्डन रूल्स लिखा है वो ध्यान में रखना है। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप पॉसिबिलिटीज का केस बना रहे हैं आपको 150 का रूल्स ही उसमें इम्प्लीमेंट करना है, अलग से आपको कोई भी विधा का यूज नहीं करना है। दूसरी जो सबसे अहम बात बच्चों को याद रखना चाहिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए वो ये है कि पॉसिबिलिटीज के केस में अगर मेरा वैलिड कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, मेरा वैलिड कंक्लूजन नहीं निकला, तब उसका पॉसिबिलिटीज का केस हो जाएगा। अभी आप देखिए कह रहा हार्ट्स एंड पैलेस, अगर यही इज पॉसिबिलिटीज कर देता तो ये निकल जाता। तो यदि कंक्लूजन वैलिड नहीं है तो उसका पॉसिबिलिटीज वैलिड होता है। स्टेटमेंट से अगर नीचे दिया हुआ है और पॉसिबिलिटीज का केस है, स्टेटमेंट में दूर दूर तक उसका कोई जगह नहीं है लेकिन कंक्लूजन का पार्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी बारीकी याद रखनी पड़ती है कि अब ऑल और सम का रिलेशन देख लीजिएगा। अब सम वाला से अगर यहाँ नो दिया हुआ रहता तो कभी निकलता है, नहीं निकलता है। सम वाला से एक ही चीज पॉसिबिलिटीज का केस निकलता है और वो है ऑल का रिवर्स और सम नॉट का रिवर्स, और ऑल का सीधा भी और सम नॉट का सीधा भी। पॉसिबिलिटीज के केस में आपने देखा कि वैलिड कंक्लूजन निकल रहा था सम हर्ट्स और पैलेस, ये वैलिड कंक्लूजन है। अब इसका अगर हम लोग इसका पॉसिबिलिटीज केस निकालेंगे तो इससे निकलेगा सम वाला से निकलता है ऑल का और सम नॉट का सीधा वाला भी और उल्टा वाला भी। तो ऑल का रिवर्स दिया हुआ है, ऑल पैलेस इज बींग हर्ट इज पॉसिबिलिटी, दैट्स ट्रू। तो विदाउट द रिसाइट ऑफ विदाउट रिमेम्बरिंग द रूल्स ऑफ द गोल्डन रूल्स एंड द अनदर रूल्स विच इज बींग अर्लियर आई हैव टाउट इन द क्लास, so you must remember that every questions you study, you the every rules that you had studied earlier in the class was very very important regarding solving of the syllogism possibilities cases। तो आज की क्लास भी यहीं पे खत्म करते हैं और साथ ही साथ पॉसिबिलिटीज की कहानी भी खत्म करते हैं छात्रगण, आप पूरे सिलोगिज्म की कहानी खत्म करते हैं। तकरीबन 5 से 6 लेक्चर मैंने पूरे पॉसिबिलिटीज पर पूरे सिलोग पे आप सबों का खर्च किया है छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि आप पीडीएफ में क्वेश्चन आपको अटैच कर दे रहे हैं, तमाम क्वेश्चन आप बना बना करके रखेंगे और अगर कोई डाउट्स होगा उसके बावजूद तो पर्सनली व्हाट्सएप पर आप मेरा जो है ये व्हाट्सएप कर देंगे हमको पर्सनली कि सर इस एरिया पे मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी खुश रहिए, आप सबों के मंगल जीवन की मंगल कामना करते हैं। कहीं भी रहिए बहुत ही बहुत मजे में रहिए। खुदा हाफिज, सब बखैर, बाय बाय।